फ्रेंड्स, मेरा नाम कार्तिक है और मेरी चैनल के ऊपर आप लोगों का बहुत दिल से स्वागत है। कोई भी ऐसा लाइफ हो सकता है जिसमें प्रॉब्लम आए ही नहीं? आई मीन, कैन यू इमेजिन लाइफ विदाउट अ प्रॉब्लम? इट इज लाइक नॉट पॉसिबल। लाइफ है तो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को डील कैसे करना, वो एक आर्ट है, वो हम सबको सीखना चाहिए, क्योंकि दैट विल गिव यू द स्ट्रेंथ। आज मैं आपके साथ ऐसे दो पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। आई एम श्योर अगर ये दो पॉइंट को आप जान लेते हैं तो यू विल बी लाइक अ मास्टर ऑफ दिस आर्ट, हाउ टू डील विथ योर प्रॉब्लम्स, यू नो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन के प्रॉब्लम है, आपको ही डील करना है, सिर्फ ये एक बार सीख लेना है। सो लेट अस स्टार्ट दिस सेशन विथ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म। How to deal with problems in your life? अपने जीवन में आने वाले प्रश्नों को, problems को कैसे handle करें, कैसे उसका हल निकालें? तो दो point है उसमें। सबसे पहला point, you need to identify your problems। सबसे पहले तो अपने जीवन में जो problems हैं उसको जानना पड़ेगा। कहने का मतलब है अपने जीवन में जो problems हैं उसको really करीबी से देखना पड़ेगा। वो really genuine problem है या तो सिर्फ एक feelings है? जब आप प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं अपने जीवन में, उसी वक्त अपने फीलिंग्स को चेक करो, अपने थॉट प्रोसेस को चेक करो, क्या हो रहा है, रियली जेन्युइन प्रॉब्लम है या सिर्फ एक फीलिंग्स है। यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी दैट ओह यू फील ओह माय गॉड इट्स अ बिग प्रॉब्लम। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई। हाउ टू आइडेंटिफाई? अभी आपको ये देखना है कि प्रॉब्लम्स कहां पे है। मेनली दो चीजें हो सकती है, एक है अपनी पर्सनल लाइफ में या तो फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो एक्चुअली यू नीड टू आइडेंटिफाई एक्चुअली वेयर इज द प्रॉब्लम। यू नो, पर्सनल लाइफ में दो तीन चीजें मेनली होती है, एक तो रिलेशनशिप और दूसरा है हेल्थ। अपने ही हेल्थ के रिलेटेड कोई चीजें हो सकती है। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई। रिलेशनशिप में थोड़ा सा देखो प्रॉब्लम्स कहां है। मे बी उसका रूट कॉज ये हो सकता है कि आप किसी से बहुत ज्यादा अपेक्षा कर रहे थे और वो पूरा नहीं हो रहा है, या कहीं पे गिल्ट है तो सेल्फ ब्लेमिंग है, या कहीं पे किसी और को ब्लेम कर रहे हैं, कहीं पे बहुत ज्यादा नॉन एक्सेप्टेंस है कोई व्यक्ति के लिए। सो रिलेशनशिप में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है उसके रूट कॉज को देख लो, आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम। प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो सकता है, तो मेनली मुझे दो चीजें यहां पे दिखाई दे रही है। एक, आपके पोजीशन के साथ कुछ हो सकता है, कुछ चीजें आप पजेस करना चाहते हैं, कुछ चीजें आप अचीव कर लेना चाहते हैं, इकट्ठा कर लेना चाहते हैं और वो नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशंस गलत हो रहे हैं, या तो फिर प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स जिसको आप कह सकते हैं वो आपकी पोजीशन के साथ जुड़े हुए हैं, यू नो। सो रास्ता क्या निकालना वो हम बाद में देख रहे हैं, पहले तो ये देख रहे हैं कि यू नीड टू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम्स। यू नो, जब मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि अपने प्रॉब्लम को जानो और इवन उसके रूट कॉज को जानो, तब भी हमें क्या नजर आता है जनरली कि हम ए प्रॉब्लम का रूट कॉज बाहर दिखता है, आउटर वर्ल्ड में दिखता है, वस्तुओं में या व्यक्तियों में या परिस्थितियों में, यू नो, कहीं ना कहीं हमें बाहर दिखता है। और उसकी वजह से स्ट्रगल क्या चल रही है कि कंटिन्यूअसली हम कुछ बाहर चेंज करने में लगे रहते हैं, यू नो, एंड दैट इवन मल्टीप्लाई योर स्ट्रेस एंड बॉदरेशन। लोगों को बदलने की चेष्टा में लग जाते हैं, या तो परिस्थिति को चेंज करने के मूड में लग जाते हैं, या यू नो, अंदर से और ज्यादा स्ट्रगल चल रही है, ब्लेम गेम चल रहा है। सो कंटिन्यूअसली आपको प्रॉब्लम बाहर नजर आता है। प्रॉब्लम मीन्स वॉट? यू थिंक समथिंग इज नॉट ओके एंड दैट बॉदर्स यू इनसाइड इन योर माइंड। अगर इसका रूट कॉज आप बाहर देख रहे हैं वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में, तो आई एम श्योर उसका हल निकालने में बहुत मुश्किल होगा और मुझे नहीं लगता है उसका कोई सॉल्यूशन आएगा। सो राइट एक्शन क्या है? हो सकते हैं कारण बाहर नजर आए, पर कहीं ना कहीं उसका रूट कॉज आपके मन के साथ जुड़ा हुआ है। सो मैं ये कह रहा हूं कि पहले बाहर बदलाव की प्रक्रिया में लगने के बजाय अगर आप अपने आप में थोड़ा सा देखना शुरू करें, एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अगर आप आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस में लगोगे, यू नो, आइडेंटिफाई, ये मेरा पहला पॉइंट है। उसका मतलब क्या, आप अपने आप में देखो एक्चुअली प्रॉब्लम के साथ
क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं बदलाव की शुरुआत अंदर करनी पड़ेगी। सो पहले राइट एक्शन क्या है, पहले कुछ चेंज अपने आप में करने की शुरुआत करो। मैं ये कह रहा हूं, आप ये जो प्रॉब्लम जिसको कह रहे हैं उसके साथ आप अपने आप में क्या चेंज कर सकते हैं उसमें थोड़ा सोचना तो शुरू करो। फिर सेकंड पॉइंट ये है, उसके बाद में अंदर बदलाव आने के बाद, इवन थोड़ा सा थॉट प्रोसेस भी चेंज हो जाने के बाद, आप वो भी देख लो कि भाई आउटर वर्ल्ड में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, परिस्थिति में क्या थोड़ा बहुत ठीक ठाक करने की जरूरत है। पर वो सेकेंडरी है, पहले चेंज यहां और फिर उसके बाद बाहर। सो हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम्स, अंदर क्या हो रहा है वो देखते जाए। और दूसरा पॉइंट, कन्वर्ट योर प्रॉब्लम्स इनटू द चैलेंज। दिस इज समथिंग अमेजिंग, कन्वर्ट योर प्रॉब्लम्स इनटू द चैलेंज। हाउ, कैसे? फ्यू पॉइंट्स। फर्स्ट, नो दैट इट इज नॉट द प्रॉब्लम एक्चुअली। यू थिंक या इट इज रियली अ जेन्युइन प्रॉब्लम। आप कह रहे हैं कि यार रियल में ये तो मेरे सामने आया हुआ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा देखिए, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक सिचुएशन है, सिर्फ एक सिचुएशन है आपके सामने। मैं मानता हूं आपको तकलीफ दे रही है, ओके, पर वो सिर्फ एक सिचुएशन है। डोंट एड सो मच मीनिंग्स इनटू इट, जस्ट लुक एट इट एंड बिलीव, ओ इट इज अ सिचुएशन। नो दैट इट इज अ सिचुएशन, एंड सिचुएशन इज नॉट परमानेंट। आपके सामने अभी जो भी परिस्थिति है, जो आपको रियल में तकलीफ दे रही है, वो परमानेंट नहीं है, वो भी बदल जाएगी। कितनी भी बड़ी डेंजरस सिचुएशन है वो भी बदल जाएगी, क्योंकि सब कुछ बदलता ही रहता है। थोड़ा सा यहां खड़े रह के देखो, स्थिर होके, सब कुछ बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। जिसको आप बड़ा सा प्रॉब्लम कह रहे हैं वो भी बदल जाएगा। नाउ सेकेंड पॉइंट, हाउ टू कन्वर्ट योर प्रॉब्लम इनटू चैलेंज। नो दैट यू आर कैपेबल इनफ। आप ये जान लो, आप ये मान लो, आप पूरी तरह से सक्षम है उस परिस्थिति को हैंडल करने के लिए। जो भी बदलाव की जरूरत है, अंदर या तो बाहर, अपनी पैटर्न्स में, अपने स्वभाव में, अपने मूड में, अपने थॉट प्रोसेस में, अपने अंदर जो भी बदलाव की जरूरत है, कोई स्किल डेवलप करने की जरूरत है या एनीथिंग, कुछ सीखने की जरूरत है, वो सब कुछ सीखने के लिए, वो बदलाव के लिए आप कैपेबल है, और बाहर के बदलाव के लिए भी आप कैपेबल है। सी, एक सत्य आप मान ही लो, आपके सामने वही प्रॉब्लम आएंगे जो आप रियल में उसका हल निकाल सकते हैं। अगर आप उसको हैंडल करने के लिए कैपेबल नहीं है तो उस प्रकार के प्रॉब्लम ये कुदरत आपको देगा ही नहीं। सो आपके सामने कोई प्रॉब्लम आया है या जो सिचुएशन आई है, ये मान लो आप उसके लिए सक्षम है, कैपेबल है। देखो होता क्या है, सिर्फ बातें नहीं है, जब आप ये मानने लगते हैं या आई एम कैपेबल इनफ, आई विल डू इट, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस डेवलप होने लगते हैं। आपके अंदर वो शक्ति है अब उजागर होना शुरू हो जाती है, और फिर आप ही खुद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, हाउ टू कन्वर्ट प्रॉब्लम इनटू चैलेंज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप प्रॉब्लम है वैसा कब कहते हैं? जैसे मैंने बताया, देयर इज नथिंग लाइक प्रॉब्लम बट सिचुएशन, एक परिस्थिति है। पर जब वो परिस्थिति का मन स्वीकार नहीं कर पाता है, तब उसको मन प्रॉब्लम कहता है। आप स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं वो वस्तुओं को, व्यक्तियों को, परिस्थिति जो आपके सामने है, जो भी हो रहा है, वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो अस्वीकार, वो नॉन एक्सेप्टेंस, वो प्रॉब्लम टेक्स अवे योर फ्रीडम एंड एनर्जी, आपको असहाय बना रहा है, आपकी वो ऊर्जा एकदम से डाउन हो जाती है। सो दिस इज प्रॉब्लम। वही स्थिति में जब आप, सब कुछ ऐसे के ऐसे ही है, परिस्थिति वही है जो आपके सामने है, लेकिन अब वो प्रॉब्लम नहीं है, वो चैलेंज में कन्वर्ट हो जाती है। कब? जब वही परिस्थिति का मन में स्वीकार होने लगे, स्वीकार होने लगे, और फिर वो परिस्थिति को बदलने की अंदर या बाहर एक जिम्मेदारी का भाव मन में जगे। सो स्वीकार हो जाए, जिम्मेदारी का भाव अंदर से जगे, तो वही प्रॉब्लम अब चैलेंज में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज ऑल हियर।
और जब वो चैलेंज में कन्वर्ट हो जाता है, सो दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड फ्रीडम. यू नो, बचपन से हमने वही सीखा है ना, जब आपके सामने चैलेंज आती है तो आप कहते हैं यस आई विल डू इट. पर वही चीज जब प्रॉब्लम आता है तो नॉन एक्सेप्टेंस है और आप फिर भागने का रास्ता ढूंढते हैं. यू नो, सो कन्वर्ट ऑल योर प्रॉब्लम्स इनटू चैलेंज एंड यू विल बी लाइक फील सो पावरफुल एंड दैट्स द वे टू कम आउट, दैट्स द वे टू हैंडल द सिचुएशंस एंड द प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग. सो क्या सीखा आपने? सिचुएशन, नॉन एक्सेप्टेंस, प्रॉब्लम्स. सिचुएशन, व्हेन यू एक्सेप्ट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट बिकम्स चैलेंज, दैट गिव्स यू पावर. प्रॉब्लम टेक्स अवे योर पावर. सो इट इज ऑल हियर माय डियर. अल्टीमेटली एक बात जान लो, इट इज योर लाइफ एंड यू हैव टू डील विद द प्रॉब्लम. जस्ट डोंट वेट फॉर एनीवन टू कम टू हैंडल योर सिचुएशंस एंड द प्रॉब्लम. इट्स ऑल हियर. कम ऑन, जस्ट डू इट. सो अल्टीमेट थिंग इज हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम. नथिंग, जस्ट यू हैव टू बी रेडी. योर रेडीनेस इज द पॉइंट. अंदर से जब आप मन से तैयार हो जाते हैं ना, फिर कोई भी प्रॉब्लम्स को इजिली सॉल्व कर सकते हैं. कोई बड़ी बात नहीं है. टेक इट एज अ चैलेंज. अगर आप स्टूडेंट है तो स्टडी करना है. टेक इट एज अ चैलेंज, दैट एम्पावर्स यू. रिलेशनशिप में कई बार मगजमारी होती है. टेक इट एज अ चैलेंज. देयर इज नथिंग लाइक प्रॉब्लम. हाउ डू यू लुक एट इट? That's the thing. कई बार हम फिर प्रॉब्लम इतने सारे मीनिंग्स ऐड करते हैं, और अगर 10% स्ट्रेस है लाइफ में तो उसको मल्टीप्लाई करके 100% कर देते हैं. कहाँ पे आप मीनिंग्स ऐड करके अपने आप को और ज्यादा स्ट्रेसफुल कर रहे हैं वो भी देखते जाओ. ऐसे कभी नहीं सोचना कि लाइफ प्रॉब्लम के बगैर हो. ऐसे सोचो कि प्रॉब्लम्स भी आए और फिर मैं उसको हल करता जाऊं और उसमें से कुछ सीखता जाऊं. So, आज के सेशन के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूं. उसका रियल में आप आंसर सोचिए अपने लिए, और अगर आप फील करते हैं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही सिंपल है. आपके जीवन में ऐसा क्या सिचुएशन है जो आपको लगता है या इट्स अ प्रॉब्लम एंड यू वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इंटू चैलेंज? प्रॉब्लम, यू वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इंटू चैलेंज. इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए. हो सकता है और कुछ सपोर्ट मैं उसमें कर सकता हूं और फिर आगे बढ़ते जाएंगे. फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करना है. मेरी ये चैनल जो आपकी भी चैनल है, मैंने मेरे ड्रीम्स आपको शेयर किए कई बार कि मैं एक इसको ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं जहां पे हम जीवन की कई बातें एक दूसरे के साथ शेयर करें. मैं मेरे 25 साल के अनुभव का निचोड़ धीरे 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 कई आगे वीडियोस ऐसा बनाना चाहता हूं जिसमें मैं ये मेरा अनुभव शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से. सो आई रियली वॉन्ट टू सपोर्ट टू मेक एवरीवन हैप्पी. और मैंने गुरुदेव से जो सीखा है आई रियली वॉन्ट टू शेयर विथ यू ऑल. सो आई नीड योर सपोर्ट. कैसे व्यूज बढ़े उसके लिए जो भी करना है वो आप करो. क्या कर सकते हैं आप लोग? शेयर करो. आप क्यों फेसबुक पे शेयर नहीं कर सकते? हम कई चीजें फेसबुक पे ऐसे ही शेयर करते हैं, तो इतना बढ़िया फैंटास्टिक नॉलेज आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो. व्हाट्सएप पे शेयर करो. कम से कम एक एक व्यक्ति 100, 200, 500 को शेयर कर सकता है. इंस्पायर करो लोगों को इस ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए. बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Bye, see you.